राजीव जी, अब आप स्टार्ट जी करें। जी अब जी हमको को चौथा पाठ है हमारा योग सूत्र पे, पतंजलि योग सूत्र पे, और राजीव गुप्ता जी लेंगे। और अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए राजीव जी को बोलता हूँ, अब वो स्टार्ट करें। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग कि अपने अपने जो है माइक्रोफोन्स को म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ये फोर्थ तो है टॉक, मगर जो फर्स्ट टॉक था हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, और फिर जो हमारा सेकंड टॉक था उसमें उसको थोड़ा सा रिवाइज करा था, और ये सारे के सारे टॉक जो हैं ये रिकॉर्ड होके, और हमने थियोसोफिकल जो हमारे एक यूट्यूब चैनल है थियोसोफी दिल्ली उसके अंदर हमने इनको अपलोड कर दिया है। तो जो लोग भी प्रीवियस टॉक्स को देखना चाहते हैं वो ज़रूर जा सकते हैं। चैनल का नाम है थियोसोफी दिल्ली। तो एक तो ये अनाउंसमेंट है, दूसरा है कि केरला से केरला के अंदर हमारे को एक इनविटेशन आया है, और वो लोगों ने रिक्वेस्ट करा हुआ है कि हम सबको बताएं ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें जो लोग करना चाहते हैं। कल सुबह नेशनल लेक्चरर प्रदीप ब्रदर प्रदीप महापात्रा जी हैं, वो जर्नी ऑफ लाइफ पे बोलेंगे कल 9 AM to 10 AM। और ये अनंत अनंत थियोसोफिकल लॉज त्रिवेंद्रम केरला, वहाँ से इनविटेशन है। इसका जो लिंक है उसको भी मैं, लिंक में क्या है कि जो 9 लेटर्स होते हैं उनको ही टाइप करना होता है। अगर आप, मैं उसको डाल देता हूँ चैट के अंदर, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये लिंक आ गया है। अब जो अब तक तो हमने जो करे थे टॉक्स उसके अंदर मेरे पे क्वेरीज आई हैं, दो क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को पहले ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि निद्रा कैसी वृत्ति है? ब्रदर कृष्णदास हैज जॉइंड फ्रॉम केरला। ब्रदर, आई विल बी टॉकिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, मोस्टली इन हिंदी, सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दिस। तो क्वेश्चन है, निद्रा कैसी वृत्ति है? साइंस ऑफ योग में लिखा है कि गहरी निद्रा में हमारे ब्रेन का संबंध माइंड से विच्छेद हो जाता है, परंतु ब्रेन अपना कार्य करता रहता है जिसका माइंड को ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न है कि माइंड के सुप्त अवस्था में रहते ब्रेन जो कार्य कर रहा है, क्या वो ही वृत्ति है? यदि है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे ब्रेन में क्या वृत्ति बन रही है? क्या हिप्नोटिज्म द्वारा इस वृत्ति का पता लगाया जा सकता है? ये शर्मा कपल हैं, शर्मा दंपत्ति, उज्जैन मध्य प्रदेश से, उन्होंने क्वेश्चन ये करा हुआ है। तो इसका इसका आंसर हमारे को वृत्तियों से ही मिलता है कि हमें वृत्ति समझनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो सूत्र आता है वो सेकंड सूत्र है जो हम कर रहे हैं समाधि पद के अंदर, कि योग तब होता है जब चित्त के अंदर वृत्तियों का निरोध होता है। अब वृत्ति क्या है? वृत्ति, बार बार हमने ये बात करी थी, वृत्ति इज ए डिस्टर्बेंस। सो वृत्ति इज इक्वल टू डिस्टर्बेंस इन आवर माइंड। यहाँ पे माइंड इज नॉट एग्जैक्टली मन एज वी अंडरस्टैंड इन थियोसफी और मेंटल बॉडी। यहाँ माइंड का मतलब, यहाँ चित्त का मतलब है
जो हमारे बॉडी को छोड़ के जो कुछ बचा उसे हम चित कहते हैं, फंक्शनली स्पीकिंग। ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। तो हम इसको ऐसे समझें कि हमारे अंदर बॉडी है, और बॉडी के अलावा जो कुछ है उसको चित हम समझ के चलें, क्योंकि उसके अंदर कई लेवल्स होते हैं, इमोशंस भी हैं, थिंकिंग भी है, और जो एडवांस लोग आगे जाते हैं, जो साधक एडवांस जाते हैं और लेवल्स खुलते हैं, वो जो लेवल्स खुलते हैं वो सब कंबाइंड चित बोला जाता है। तो इसलिए मन शब्द ना इस्तेमाल करके पतंजलि ने चित्त इस्तेमाल करा है। तो हम इसको फंक्शनल तरीके से समझें कि इस चित्त के अंदर जब डिस्टरबेंस होती है तो क्या होता है कि एक इस डिस्टरबेंस की वजह से हमारी कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो उस डिस्टरबेंस के साथ में अपने आप को एक कर लेती है, और वो समझती है कि मेरे अंदर डिस्टरबेंस हुई है और वो उसके साथ में हो लेती है। ये थर्ड सूत्र के अंदर उन्होंने ये बोला है, और थर्ड और फोर्थ सूत्र हमारे को इसके बारे में क्लियर बताते हैं। इसलिए लोग बहुत सारे लोग थर्ड और फोर्थ सूत्र को ऐसे स्किप कर देते हैं। थर्ड सूत्र है, देन द सीयर इज एस्टैब्लिश। एक बारी जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है तो फिर क्या होता है, द सीयर इज एस्टैब्लिश्ड इन हिज ओन एसेंशियल एंड फंडामेंटल नेचर। और फोर्थ सूत्र क्या है, जो की है, इन अदर स्टेट्स देर इज एसिमिलेशन ऑफ द सीयर विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, वृत्ति सारूप्यम इतरत। सो इतरत्र होता है, वृत्तियों का क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, सारूप्यम हो जाता है एल्सवेयर, अदर स्टेट्स के अंदर वृत्तियां जो हैं, अदर स्टेट्स का मतलब जब योग नहीं होता है तो क्या होता है, जो वृत्ति पैदा हुई है उसके साथ में हम एक हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डिस्टर्बेंस। तो जब डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जब डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जब वृत्ति नहीं होती है, तो जो हमारी चेतना अभी है और जो यूनिवर्सल लाइफ की चेतना है उनके अंदर एक जुड़ाव हो जाता है जिसको योग कहा है, और वो एक ही चेतना हो जाती है। और वो जो व्यक्ति अपने आप को मैं समझता था, जैसे अपने लाइफ के अंदर अपने आप को समझता है, वो उस यूनिवर्सल लाइफ के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। इस तरीके से हमने इसको समझा था। इसके अंदर जो पांच वृत्तियां बताई हैं उनके अंदर एक निद्रा वृत्ति बताई है, और जो क्वेश्चन है उसी से है कि स्लीप, हाउ इज स्लीप ए वृत्ति। स्लीप क्यों है, स्लीप में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आदमी तो सो गया आराम से, तो डिस्टरबेंस कहाँ हुई। तो साधना के जो साधक है, जो योगी है, अगर उसके अंदर चेतना के अंदर ब्रेक आ जाए, जैसे उसकी ब्रेन और बाकी जो बॉडीज के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है स्लीप के टाइम पे, तो उसकी चेतना में ब्रेक आ गया, ब्रेन की एक्टिविटी अपनी चल रही है, एक सब कॉन्शियस एक एक्टिविटी अलग चल रही है, और एक दूसरी एक्टिविटी चित्त की चल रही है जिसके बारे में ब्रेन कॉन्शियस नहीं है, मगर एक्टिविटी तो वहाँ पे भी चल रही है। तो हम लोग थियोसॉफिकल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को पता है कि हम एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर फिर विचरण करते हैं, चलते हैं, वहाँ जाते हैं, मगर मन जो है, जो इमोशंस और मेंटल एक्टिविटी, वो तो पूरी की पूरी चल रही होती है। सिर्फ यही होता है कि हमारी फिजिकल ब्रेन के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन या कॉन्टिन्यूटी हमें नहीं मालूम पड़ पाती, और जब हम उठते हैं तो हमें कंफ्यूज इमेजेस मिलती हैं, स्कैटर्ड इमेजेस मिलती हैं जिनको, और कई बार कुछ सीक्वेंसेस भी मिलती हैं जिनको हम ड्रीम्स भी कह लेते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर हम एक किताब पढ़ें सी डब्ल्यू लेडबीटर और एनी बेसेंट की ड्रीम्स, उसके अंदर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे इसके ऊपर, ड्रीम स्टेट के ऊपर अलग अलग एवोल्यूशन के लोगों के ऊपर, जो बिल्कुल प्रिमिटिव थे, जो एवरेज हैं और थोड़े एडवांस हैं, उनके ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है और वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं ड्रीम्स को, और ड्रीम्स के अलग अलग जो आयाम हैं उनके बारे में उन्होंने उस किताब में लिखा है। इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, तो आई वुड रिकमेंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गो एंड रीड दैट बुक ड्रीम्स के ऊपर। तो वृत्ति यहाँ पे पतंजलि कहते हैं कि निद्रा इज अ वृत्ति, क्यों, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस खत्म नहीं हुई हैं, योग घटा नहीं है, समाधि हुई नहीं है, व्यक्ति अभी भी अचेत है, अनकॉन्शियस है कि उसके अंदर क्या घट रहा है, तो ये टाइप की वृत्ति हो। आई होप ये उसको आंसर कर लेता है। दूसरा जो इनका पॉइंट था, जो क्वेश्चन था इसी का, क्या हम हिप्नोटिज्म द्वारा इस वृत्ति का पता लगाया जा सकता है, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है।
ये करने की जरूरत नहीं। वृत्ति यहाँ पे इन्होंने अभी ठीक से समझा नहीं। वृत्ति डिस्टर्बेंस को कहते हैं। वृत्ति कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो हमारे अंदर हो रहा है। मैं फिर से थोड़ा क्लियर करता हूँ, कई लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है। अगर मैं किसी चीज़ को देखता हूँ जिसके वजह से मेरे अंदर, जैसे मैं सड़क पे कोई चीज़ें देख रहा हूँ होती हुई एक्टिविटी, उसका को इम्प्रेशन मेरे पे पड़ रहा है, मेरी आंखों पे पड़ रहा है, मेरे ब्रेन पे आ रहा है, मगर वो जो इम्प्रेशन पड़ रहे हैं फाइव सेंसेस सेंस ऑर्गन्स पे, उनसे मेरे अंदर कोई रिएक्शन पैदा नहीं हो रहा, कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हो रही, मेरी चेतना पे कोई उन पे असर नहीं पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए वृत्ति नहीं है। मेरे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो पतंजलि कह रहे हैं, तो वृत्ति तो नहीं है। तो ये फर्क है एक नॉर्मल सेंस इंप्रेशंस जो हमारे आते हैं उनका और एक वृत्ति का। हम जब कुछ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या सुनते हैं कि फलाना जगह पे कुछ इवेंट हो गया है, कई लोगों को पे कोई रिएक्शन नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए कोई वृत्ति नहीं है। बहुत कई लोगों के लिए बड़ा फर्क पड़ता है, उनको लगता है ऐसे कैसे हो गया, उनको बड़ी सिंपैथी पैदा होती है उनके अंदर, वो और पता करना चाहते हैं, बड़े वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनके लिए वो वृत्ति हो गई। तो पतंजलि ने कहा कि जब वृत्तियां हमारे चित्त के अंदर खत्म हो जाएं अपने आप, और जो चेतना हमारी इंडिविजुअल सेल्फ की यूनिवर्सल सेल्फ से जुड़ जाए, तो उसे उन्होंने कहा योग। तो यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है जो जो कि पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने एक और पूछा है, और उन्होंने ये कहीं से एक ट्रांसलेशन करा है कि असंप्रज्ञात उस अवस्था को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता है, अर्थात ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता, संस्कार मात्र बचता है। इस सूत्र जो सूत्र 17 के ही रिलेशन में ये बात करी गई है, तो इसमें उन्होंने सवाल सवाल ये पूछा है, यहाँ संस्कार मात्र शेष रह जाता है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ? किस प्रकार से संस्कार हैं जो रह जाते हैं जब आपको समय मिले और स्पष्ट करने का कष्ट करें? तो ये इन्होंने सवाल एक पूछा कि असंप्रज्ञात समाधि के बारे में, कि असंप्रज्ञात समाधि हमने लास्ट टाइम उसको डिटेल में लिया था, इसके अंदर जब असंप्रज्ञात समाधि हो गई है 17th और 18th सूत्र के अंदर जो बात करते हैं, तो वहां पर फिर कौन से संस्कार रह जाते हैं? तो इसका आंसर आज हम अपने इसी के अंदर ले लेते हैं बात को। पहले मैं कई जो मेंबर्स आए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि पतंजलि योग सूत्र एक मैनुअल है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। वो एक मैनुअल है उसके व्यक्ति के लिए जो हायर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल लाइफ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड कॉन्शियसनेस, इन सब को अचीव करना चाहता है, ये उसका टारगेट है, ये योग वो पाना चाहता है, उसके लिए है। इसका प्रिलिमिनरी स्टडीज जिस व्यक्ति ने कर ली है, सर्च कर ली है, वो कन्विंस्ड है कि एक लाइफ है जो कि एक हायर लाइफ है, सिर्फ यही लाइफ नहीं है, वो उसको एक रास्ता चाहिए, उसके लिए एक किताब है, और ये नॉन सेक्टेरियन किताब है, ये किसी धार्मिक किताब के बराबर नहीं है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ये प्रमोट नहीं करती है। ये वाली जो बुक है इसी से हम आगे चल के और उस टारगेट को पा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, हम समझते हैं कि इस ऑथर ने क्या बोला। इन्होंने बोला इस हायर लाइफ के अंदर एंट्री करने के लिए हमारे चित्त के अंदर जो भी वृत्ति पैदा होती है, उस वृत्ति को हमारे को खत्म करना पड़ेगा और तब जाके ये योग घटेगा। अब वृत्ति को खत्म करने के लिए पहले पता करना पड़ेगा वृत्तियां क्या हैं। अगर हमें यही नहीं पता वृत्तियां क्या हैं तो हम खत्म कैसे करेंगे? तो वृत्तियां खत्म करने के लिए पहले वृत्तियों को जान लिए। तो फिर अब ये नेक्स्ट आगे आगे बताते हैं पतंजलि कि पांच प्रकार की वृत्तियां होती हैं जो हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ये पांचों वृत्तियों के अलावा छठी कोई वृत्ति नहीं होती, छठी कोई टाइप की डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनेशन, स्लीप एंड मेमोरी, ये पांच जो वृत्तियां हैं इनके बारे में बात करी गई है। तो ये जो पांचों वृत्तियों से हम लोग
इनकी वजह से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा फंसी रहती है चित्त के अंदर लोअर लेवल्स में, जिनको हम इमोशंस ऑफ माइंड कहते हैं, इमोशंस ऑफ मेंटल बॉडी कहते हैं, इमोशंस और थिंकिंग कहते हैं, थियोसोफिकल लैंग्वेज में एस्ट्रल बॉडी या मेंटल बॉडी कहते हैं या पर्सनैलिटी कहते हैं। इन सब के अंदर हम लोग जुड़े पड़े रहते हैं, फंसे पड़े रहते हैं, हमारी चेतना वहाँ से फ्री नहीं हो पाती कि और डीपर लेवल्स में जा सके। तो ये इन्होंने बोला ये हमारी बीमारी है, इस तरह के सोच लीजिए, ये हमारी डिफिशेंसी है, कोई विटामिन की कमी है, हमारी डिफिशेंसी, तो हम क्या करें उसके बारे में, तो हम हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कैसे इसको रेमेडी इसकी क्या लाएं। तो फिर ये आगे चल के पतंजलि हमें कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य ये दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, दो टूल्स हैं जिनको हम यूज करके और इन वृत्तियों को खत्म कर सकते हैं। तो ये जो दो टूल्स हैं इनके बारे में भी दो दो सूत्र इन्होंने बताए कि अभ्यास वो एफर्ट है जो हमारे को लगाना पड़ेगा, वो मेहनत है जो हमें करनी पड़ेगी, वो लंबे टाइम के लिए करनी पड़ेगी, बिना इंटरप्शन के करनी पड़ेगी और पूरी कन्विक्शन डिवोशन के साथ करनी पड़ेगी, तो उसका कोई फल मिलेगा। वैराग्य इन्होंने बोला कि हमारे अंदर जो टेंडेंसी है, जो लगाव है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि बाहर से हमारे बाहर भी है या हमारे मन के अंदर चित्त के अंदर इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके लिए हमारा मन जाता है आगे, उसको पकड़ना चाहता है या उससे भागना चाहता है, कोई भी इनमें से दोनों एक्टिविटी कोई होती है, तो इसको इस टेंडेंसी को ब्रेक करना, इफेक्टिवली ब्रेक करना, यहाँ पे ये नहीं कि एब्सोल्यूट वैराग्य की बात नहीं हो रही, इफेक्टिवली ब्रेक करना ताकि डिस्टरबेंस ना हो साधना के अंदर, उतने लेवल तक ले जाना और बाकी अभ्यास करना, ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो वृत्तियां सबसाइड, रिस्ट्रेन, कंट्रोल, सप्रेस हो सकती हैं। जब ऐसे हो जाता है तब व्यक्ति एक ऐसी स्टेट में पहुंचता है जो कि साधना पद नेक्स्ट सेक्शन में जो अष्टांग योग बताते हैं उसका जो एंड पॉइंट है वहां पे पहुंचता है, जिसको इन्होंने समाधि कहा है। समाधि तक पहुंचने के बाद में उस समाधि के अंदर का जो प्रोसेस है वो दो डुअल प्रोसेस है, उस डुअल प्रोसेस को सूत्र 17 और सूत्र 18 के अंदर इन्होंने बताया है, डिस्क्राइब करा है। सूत्र 17 में ये कहते हैं कि ये संप्रज्ञात समाधि का जो फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला वो बोला है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि सूत्र 17 के अंदर चार लेवल आते हैं। तो वो चार लेवल कौन से हैं? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। जब ये चारों लेवल्स के अंदर संप्रज्ञात समाधि घट जाती है तो उसके बाद में आगे व्यक्ति कैवल्य तक पहुंच सकता है या एंड पॉइंट तक पहुंच सकता है। अब हम लास्ट टाइम इसके ऊपर काफी बात कर चुके हैं तो इसको थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, ताकि क्योंकि थोड़ी रेपिटेशन जरूरी है। थियोसफी में ह्यूमन बीइंग की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम ये थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। एक ह्यूमन बीइंग की कॉन्स्टिट्यूशन है मोनैड। मोनैड मतलब आत्मा, जीव आत्मा। इस जीव आत्मा के अंदर सात बॉडीज अटैच्ड हैं, मटेरियल बॉडीज। ये तो एक कॉन्शियसनेस है आत्मा जो है। ये जो सात बॉडीज अटैच्ड हैं इनमें से जो लोअर बॉडीज हैं फिजिकल, जो सबसे ग्रॉस आउटर बॉडीज हैं वो फिजिकल और फिर इमोशनल और फिर मेंटल बॉडीज हैं। ये इनके अंदर जो हमारी चेतना अभी तक सीमित है, तो एक यूनिट की तरह हम बिहेव करते हैं, जिसको हमने थियोसफी में पर्सनालिटी कहा है। ये ह्यूमन बींग की एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ऊपर के जो लेवल्स हैं हायर मेंटल, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, फिर हम बुद्धिक बॉडी कहते हैं, फिर हम आत्मिक बॉडी कहते हैं और फिर फाइनली मोनाडिक बॉडी कहते हैं। तो ये बाकी बॉडीज को हम पूरा करते हैं, तो यहाँ एक ह्यूमन बींग की एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गई। हमारा जो पर्पस है एग्जिस्टेंस का, इस तरीके से हम कह लें कि ह्यूमन एवोल्यूशन को कंप्लीट करना। ह्यूमन एवोल्यूशन कब कंप्लीट होगा? जब हमारी चेतना जो अभी सबसे निचले लेवल पे फंसी पड़ी है इन तीन बॉडीज में, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, इनके अंदर हमारी चेतना भी सीमित है, यहाँ से वो छुटकारा पाएगी या छूटेगी या रिलीज होगी, या वहाँ वहाँ पे जो बॉडीज के अंदर जो इन्वॉल्व है उस इन्वॉल्वमेंट से हटेगी, रिलीज हो पाएगी और ऊपर के लेवल्स पे चल के अल्टीमेटली वो रियलाइज करेगी कि वो कहाँ से आई थी। ये एक अपवर्ड जर्नी है। इसको मैं बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट से बता रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए ओवर। तो ये जो अपवर्ड जर्नी है जिसके अंदर पहले हम लोअर मेंटल, जो हमारी मेंटल बॉडी है, जो हमारा माइंड है, उससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं हायर माइंड के अंदर।
जो इसको हमने कॉजल बॉडी कहा है। फिर हम आगे पहुंचते हैं बुद्धिक बॉडी में, फिर आत्मिक बॉडी में, और फाइनली मोनेडिक बॉडी के अंदर। अब यहाँ 17 सूत्र में वो कह रहे हैं ये जो समाधि घटेगी, समाधि मीन्स मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द लेवल दैट वी आर इन टू अ हायर लेवल। तो हम अभी जहाँ पे हैं वो तो है लोअर मेंटल बॉडी, और यहाँ से हमारा जब शिफ्ट होगा हायर मेंटल बॉडी में, तो उसको इन्होंने बोला है कि हम लोग जो वितर्क लेवल है, जो रीजनिंग लेवल है, उसको पार करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे विचार के लेवल पे। इन्होंने ये वर्ड्स यूज नहीं करे लोअर मेंटल, हायर मेंटल, बौद्धिक और आत्मिक, इन्होंने वर्ड्स यूज करे हैं रीजनिंग, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। और इसको हम थियोसफिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भाई लोअर मेंटल से हायर मेंटल, हायर मेंटल से बौद्धिक, बौद्धिक से आत्मिक, और आत्मिक के बाद में सीधा मोनाडिक। ये चारों जगह पे चार टाइप की समाधियां जब तक नहीं घटेगी तब तक हम कैवल्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये यहाँ पे इस सूत्र का मतलब ये आता है। वितर्क किसी मेंबर का अभी भी राइट माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है उसकी वजह से। ऑल राइट, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। संप्रज्ञाता समाधि इज दैट विच इज अकम्पनीड बाय रीजनिंग, रिफ्लेक्शन, ब्लिस एंड सेंस ऑफ प्योर बीइंग। एंड 18 सूत्र में मैं पढ़ लेता हूँ, फिर दोनों के थोड़ा से बात करके फिर आगे चलते हैं। इसमें 18 सूत्र है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व शेष अन्य, द रेमनेंट इंप्रेशन लेफ्ट इन द माइंड ऑन द ड्रॉपिंग ऑफ द प्रत्यय आफ्टर प्रीवियस प्रैक्टिस इज द अदर, दैट इज असंप्रज्ञाता समाधि। देखिए हमने लास्ट टाइम बात करी कि जब एक साधक अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक इमेज के ऊपर या एक साउंड के ऊपर फोकस करता है, और फोकस करते करते वन पॉइंटेड हो जाता है, और वन पॉइंटेड होने के बाद में वो व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसा लीन हो जाता है कि वो और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो जाते हैं और कुछ नहीं बचता। तो पहला तो एफर्ट जो लगा रहा था वो कंसंट्रेशन का एफर्ट था, जब वो कंसंट्रेट कर रहा था उस ऑब्जेक्ट को अपने चित्त के अंदर इस्टैब्लिश कर रहा था। वो इस्टैब्लिश जब ऑब्जेक्ट हो जाता है एफर्ट से बार बार, तो उसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब विदाउट एनी एफर्ट वो ऑब्जेक्ट वहीं रहता है, और अब वो पूरा उसका कॉन्शियसनेस का फ्लो उस ऑब्जेक्ट तक जाता है, और ऑब्जेक्ट के साथ में उसका एकाकार वननेस हो जाती है। ओनली लेट्स से दी फ्लो बिटवीन द टू रिमेन्स, ना तो सियर बचता है ना ऑब्जेक्ट बचता है, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। इसे ध्यान की अवस्था कहा गया है। और जैसे ये घटती है ऑटोमेटिकली ये ऐसा व्यक्ति एक समाधि की फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है जिसको इन्होंने कहा है संप्रज्ञात समाधि। तो बेसिकली एफर्ट टू ऑब्जेक्ट पे लगाने के साथ साथ जैसे ही वो वननेस की स्टेट आती है वो कंसंट्रेशन टू मेडिटेशन टू असंप्रज्ञात टू संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है। संप्रज्ञात समाधि के अंदर मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज के साथ में उसकी जुड़ाव हो गया, वो ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जान जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ एक हो गया। यहाँ तक उन्होंने बोला संप्रज्ञात समाधि। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या करना होता है कि उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है अपनी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, जो अब सिर्फ ऑब्जेक्ट और वो रह गए हैं और कुछ नहीं रह गया है, तो उसको अब उसको ड्रॉप करना है, और वो जो पूरा का पूरे फोकस थी उस ऑब्जेक्ट की तरफ, फोकस तो उतना ही रहेगा मगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है, ऑब्जेक्ट को अब लाना नहीं है। ये नेक्स्ट स्टेप है। जब वो ऐसा कर पाएगा साधक कि सिर्फ पूरा फोकस उसका, पूरी एनर्जी, पूरा सब कुछ उसका चित्त का एक ही जगह पे लगा है, मगर वहां कोई जगह, कोई चीज ही नहीं है, जहां पे पहले एक ऑब्जेक्ट था वहां कुछ नहीं है, इसको इन्होंने कहा है असंप्रज्ञात समाधि।
ये असंप्रज्ञात समाधि तक ही हमारा एफर्ट एक साधक का लग सकता है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम एक घर के अंदर हैं, घर मतलब हमारी पर्सनालिटी, जिसके अंदर बॉडी है, इमोशंस हैं और हमारा थिंकिंग है, कॉन्क्रीट थिंकिंग है, लोअर माइंड वाली थिंकिंग है। थियोसफी में लोअर माइंड की थिंकिंग को कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, इमेज जिसमें रूप हो, जिसमें इमेजेस हो, वो वाली थिंकिंग के अंदर हम फंसे पड़े हैं। ये घर है और बाहर पूरा यूनिवर्स है, हमें तो यूनिवर्स का पता नहीं, हम तो दीवारों से घिरे पड़े हैं। अब हम लोग दीवारों से घिरे पड़े हैं और घर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम खेलते रहते हैं, उन्हीं के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, पर ऐसी लाइफ खत्म हो जाती है एक लाइफ, फिर दूसरी लाइफ में आते हैं उसमें भी ऐसे करते रहते हैं। जब व्यक्ति ये एफर्ट लगाना चालू करता है तो वो अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को साइड पे करता है, जो ऑब्जेक्ट्स वृत्तियों की वजह से पैदा हो रहे थे, जिनको वो खुद पैदा कर रहा था, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा था, डिसॉल्व करता था, तोड़ता था, बनाता था, तोड़ता था, बनाता था, वो सब को अब एक्टिविटी को खत्म कर देता है और अब वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे ध्यान देता है पूरा। तो जो ऑब्जेक्ट्स उसने पहले बनाए थे उनकी अपनी लाइफ स्पैन से वो खत्म हो जाते हैं। थियोसॉफिकल लैंग्वेज में कहें जो थॉट फॉर्म्स क्रिएटेड थे पहले, जो कि बार बार वो एनर्जी देता था तो वो बचे रहते थे, अब वो धीरे धीरे डिजोल्व होना चालू हो जाते हैं और खत्म होना चालू है, और वो अपनी समाधि की तरफ अग्रसर चलता चले जाता है, प्रोग्रेस करते चले जाता है। जब वो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ बिलीव्स उसके जो बचे रह जाते हैं, जो कि उसकी इस समाधि के अंदर उसके डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते हैं, इसको संस्कार कहा है। जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कौन से संस्कार बचते हैं इवन असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के बाद में, कौन से ऐसे संस्कार बचते हैं, तो पहला, सबसे पहला संस्कार तो यही बचता है कि मैं बॉडी हूं, मैं हूं, मैं तो अपने आप को जानता नहीं कुछ और, मैं तो सिर्फ अपने आप को बॉडी की तरह जानता हूं, मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं और मेरी पर्सनालिटी है और ये मैं हूँ, अपने बारे में मुझे डिसाइड कर सकता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पेरेंट्स ये थे, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा रिलीजन ये है, मेरा घर ये है, मेरे प्रोफेशन ये है, फलाना 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 फलाना, ये सारी बातें जो हैं ये मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, अभी तक भी मैं हूँ ये मैं जानता हूँ, इवन दो मैं असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँच गया हूँ, ये संस्कार मेरे अंदर अभी भी पहुँचू मौजूद है, खत्म नहीं हुए, डिजोल्व नहीं हुए, अभी भी मैं कोई नो बॉडी नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मैं समाधि में लगा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ये सब मेरे खत्म हो गए, नहीं, ये खत्म नहीं हुए। बुद्धिस्ट लिटरेचर एज वेल एज जो हमारा थियोसॉफिकल लिटरेचर है और जो शंकराचार्य का जो लिटरेचर है उसके अंदर बात आती है, हमारे यहाँ तो फर्स्ट इनिशिएशन कहते हैं, बुद्धा ने इसको बोला एंटरिंग द श्रोतापान श्रोतापति, जो स्ट्रीम में एंटर कर गया है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में जो एक रिवर है उस स्ट्रीम के अंदर एंटर कर गया और वो नेक्स्ट शोर पे पहुंच जाएगा। तो एंट्री करने का मतलब यह है कि फर्स्ट इनिशिएशन के आपने एंट्री कर ली है, पहला स्टेप ले लिया है, पहली समाधि पहुंच चुके हैं, तब भी जो संस्कार बचते हैं उनके अंदर जो डिल्यूजन ऑफ द सेल्फ एक फैक्टर बताया गया है हमारे यहाँ पे, कि हम अभी भी अपने आप को बॉडी और माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान हमारी वही है, वो पहचान को तोड़ना होगा आगे चलने के लिए, उसके लिए कुछ रियलाइजेशन, कुछ एक्सपीरियंसेस और हायर लाइफ के गेन करने पड़ेंगे तो ये टूटेगा। तो कुछ संस्कार जो बचते हैं वो रिलेटेड टू हमारी बिलीव्स हैं, कुछ ऐसी बिलीव्स जो हमारे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, हमारे साथ रहती हैं, वो संस्कार रूपी हमारे पास रहते हैं, वो आगे जैसे योगी बढ़ता है और हायर लाइफ में एंट्री करता है और उसके ग्रेजुअली उसके और एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं तो वो और हायर लेवल्स पे जाता है, तो उसको अपने पीछे जब वो बॉडी से अलग हो जाता है, माइंड से अलग हो जाता है, तो उनको देख सकता है ऑब्जेक्टिवली, तो उसके मन में ये पक्का, तो उसके चित्त में पक्का हो जाता है कि भाई मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड हूँ। जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं होगा सेपरेशन का एक्सपीरियंशियली, कि मैं बॉडी से अलग हूँ और मैं माइंड से अलग हूँ, तब तक मैं जो मर्जी बोलता रहूँ मैं हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई ही करूँगा अपने बॉडी और माइंड के साथ में, ये ऐसा संस्कार है, इसको संस्कार रूपी हम ले सकते हैं। तो ये तो आंसर हुआ उन साहब का जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार कैसे बचते हैं। अब ये सवाल आता है कि असंप्रज्ञात समाधि मीनिंग कि हम उस घर के अंदर जहाँ पे चार दीवारियां हैं और उस घर के अंदर हमने एक जगह पे फोकस करा, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करा, फोकस करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हमने अपने 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 कॉन्शियसनेस में सिर्फ वही बचा है, एक ही ऑब्जेक्ट बचा है,
अब हम उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम बचते हैं तो हम लोग जब उसको ब्रेक करते हैं और हटा देते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं उसी एफर्ट के साथ में, उसी पूरे फोकस के साथ में दीवार एक दरवाजे पे पहुंच जाते हैं हम। इसको हम ऐसे इमेजिन कर लें, एक दरवाजे पे पहुंच जाते हैं उस घर के दरवाजे पे जो कि बाहर की तरफ नहीं खुलता, अंदर की तरफ खुलता है, या बाहर की तरफ भी खोले को फर्क नहीं पड़ता, वो खुलता है मगर हम नहीं खोल सकते उसको। तो यहाँ पे एफर्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पे हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। साधक यहीं पे आके रुक जाता है, वो बस यहीं पे रुका रहता है और डे इन एंड डे आउट यहीं पे रुका रहता है। फिर जो होता है वो अपने आप होता है कि वो दरवाजा खुलता है और जो कॉन्शियसनेस थी, जो चेतना थी, जो फंसी पड़ी थी यहाँ पे, वो अपने आप स्टेप ओवर कर लेती है, आगे चली जाती है और यूनिवर्सल लाइफ, या हम उसको यूनिवर्सल लाइफ ना बोलें, अब हम कहेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। तो ये पतंजलि 17 सूत्र में कहते हैं, पहले वितर्क के लेवल, लोअर माइंड के लेवल से हम लोग आगे ग्रेजुएट करते हैं टू हायर माइंड या विचार के लेवल पे, जिसको हमने कॉजल बॉडी, कॉजल प्लेन, हायर मेंटल प्लेन की बात करी, वहां पे हम पहुंचते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं तो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। क्या प्रोसेस को? हम अब हायर मेंटल बॉडी के ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि आइडियाज होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं, क्योंकि वो अरूप प्लेन है, उसके अंदर कोई रूप नहीं है, कॉन्क्रीट कोई नहीं है, वहां पे है मेंटल प्लेन ही, मगर यहाँ पे विचार या आइडियाज या एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं। उन थॉट्स के ऊपर में से कोई एक थॉट को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं, पूरा फोकस करने के बाद में फिर दोबारा संप्रज्ञात समाधि को धारण करते हैं, पहुंचते हैं, फिर असंप्रज्ञात समाधि फिर घटती है विचार के लेवल पे, हायर मेंटल लेवल पे, फिर उसको पियर्स करते हैं और फिर बुद्धिक लेवल पे एंट्री करते हैं। हमारे थियोसफी में उसको बुद्धिक लेवल कहा है, जिसको इन्होंने आनंद का लेवल कहा है। इन्होंने कहा वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, तो थर्ड जो बोला है आनंद, हम थियोसफी में कहते हैं बुद्धिक लेवल। बुद्धिक लेवल पे वननेस का एक्सपीरियंस होता है, अहम ब्रह्मास्मि का एक्सपीरियंस होता है। व्यक्ति साधक जो है उसकी चेतना हर एक जितने भी एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी उसको दिखाई दे रहा है सबके साथ एक हो जाती है। इसको तो डिस्क्राइब करा है जय कृष्ण मूर्ति ने भी डिस्क्राइब करा है, और सी डब्ल्यू लेडबीटर का जो एक किताब है जिसमें एसेज लिखे हैं उनके, दी मोनाड, उसके अंदर भी उन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ है। और निर्वाण एक किताब है जी एस अरुंडेल साहब की, जो हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उन्होंने भी डिस्क्राइब करा है। उसके अंदर कई जगह पे इसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है कैसे वननेस होती है अहम ब्रह्मास्मि की, तो वहाँ पे वो व्यक्ति हर एक के अंदर जुड़ जाता है, उसको लगता है कि सब कुछ मेरा पार्ट है। अभी तो सिर्फ बॉडी और माइंड ही मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मेरा है, मेरे शरीर पे कुछ आके पड़ता है तो मुझे फीलिंग होती है, तो मेरे को मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है। अब वो सबके अंदर जा सकता है, वो सब कुछ फील कर सकता है। कृष्णमूर्ति तो ये कहते हैं जब उनके साथ पहले एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने लेटर लिखा एनिमेशन को, उसमें ये सब डिस्क्राइब करा उन्होंने, और उन्होंने बताया कि भाई मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से मैं थोड़ी दूर एक सड़क है, उस सड़क के ऊपर एक कार जा रही है, तो वो कहते हैं मैं सड़क भी मैं ही हूँ, वो कार भी मैं ही हूँ, कार के ऊपर जो टायर चल रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। थोड़ी दूसरी जगह पे एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर एक एक किसान घास काट रहा है, तो कहते हैं घास भी मैं ही हूँ, किसान भी मैं ही हूँ, काटने वाला जो यंत्र यूज कर रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है इसको बुद्धिक लेवल का एक्सपीरियंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी अभी खत्म नहीं हुआ है मामला, इवन दो कृष्णमूर्ति अपने लेटर में लिखते हैं कि माय कप ऑफ जॉय इज फिल्ड ओवर, मतलब कि पूरा पूरा भर चुका है, ओवर ओवर जॉय हो चुका है, ओवर मतलब कि अब वो छलक रहा है बाहर, और वो कहते हैं एंड में आई एम गॉड इंटॉक्सिकेटेड। ये बहुत अच्छा एक लेटर है, आप थोड़ा सर्च करिएगा और इसको पढ़ेंगे तो ये जो बुद्धिक कॉन्शियसनेस का एक एक्सपीरियंशियल जो हमारे टाइम में जय कृष्ण मूर्ति रहे हैं वो एक्सपीरियंस वो उसके अंदर आता है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ये तो थर्ड लेवल है जिसको आनंद का, क्योंकि ये एक्सट्रीमली ब्लिसफुल स्टेट है। ब्रदर कृष्ण कृष्णदास, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दी एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ विच फर्स्ट हैपन्स इन द बुद्धिक प्लेन। इन द बुद्धिक प्लेन द पर्सन फील्स एज इफ ही इज वन विद एवरी वन, रादर नॉट फील्स, ही एक्चुअली एंटर्स इन टू दैट, बिकॉज एट द बुद्धिक प्लेन इफ यू रीड एनी पर्सन
स्टडी इन कॉन्शियसनेस, शी हैज रिटन ए स्मॉल टॉपिक इन दैट द वेब ऑफ लाइफ एंड एल्सवेयर आल्सो शी हैज रिटन दिस, द बुद्धिक प्लेन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ वेरी लिटिल मैटर. द बुद्धिक मैटर इज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस वर्ल्ड, लेट से नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड, ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑफ दिस चेन आर कनेक्टेड बाई दिस बुद्धिक मैटर. इट इज अ स्ट्रिंग. दिस मैटर कनेक्ट्स ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी एटम, एंड इट इज अ स्ट्रिंग एंड इट इज कॉल्ड वेब ऑफ लाइफ बाय एनी पर्सन. सो एनी बडी हु कैन एक्सेस दिस मैटर कैन एंटर इन टू दिस मैटर इन फुल कॉन्शियसनेस will be able to access all the matter of all the worlds on this chain. I will not go into what is the chain, what is a round, what is a scheme of evolution. Maybe some other time we will do the solar system and the schemes of evolution. But the buddhic matter is connected to each and every person, everything rather. So because of that, the person is in everything. He feels that he is a part of everything. And there is a feeling of extreme bliss. The person is in real bliss. And this is perhaps, although it is not written anywhere, if one were to see this, if this bliss were not to be there, then that person would probably go mad. Because of so much of agony in this world, so much of suffering in this world, that if we were to see just a small portion of the suffering in this world, we would probably go mad because we can't see all that suffering. But a person of this stature, spiritual stature, can see the suffering as well as understand why the suffering is there due to law of karma and reincarnation, and yet being one with that suffering and yet not get affected by the suffering because he is in bliss. So anyway, this is another, some other day we can discuss this. So I hope I have been able to explain, because Brother Krishna Das has asked me to speak a little bit in English. So this was the last point, brother, I was talking about. तो यहाँ पे आनंद की जो बात करी है उन्होंने, ये थर्ड लेवल है जिसके ऊपर संप्रज्ञाता समाधि और फिर असंप्रज्ञाता समाधि को साधना होता है. इसके बाद में भी आगे चलना होता है, और जब साधक और आगे जाता है और एक और बारी संप्रज्ञाता समाधि और असंप्रज्ञाता समाधि को साधता है, तो फिर उसकी एंट्री होती है आत्मिक लेवल पे, जिसको पुराने जमाने में थियोसॉफिकल लिटरेचर में निर्वाणिक लेवल भी कहा गया था. इसलिए जी एस अरुण डेल की जो किताब है उसका टाइटल निर्वाण दिया गया है. ऑल्दो ये निर्वाण नहीं है, पर निर्वाणिक लेवल है, और इस लेवल को टच करते हैं जो अर्थ बनते हैं, जो फोर्थ इनिशिएशन जो जिनको मिल जाती है, जो अटेन करते हैं, इसको वो अर्थ कहा गया है, जो यहाँ तक पहुँचते हैं. इसकी डिस्क्रिप्शन में लेड बीटर साहब ने तो हाथ खड़े कर लिए. उन्होंने बोला भाई बड़ा मुश्किल है डिस्क्राइब करना, तो मगर जी एस अरुण डेल साहब ने एक्सपीरियंस करा है लाइट का, पूरा उन्होंने डिस्क्राइब करा है. दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द लेवल, आत्मिक लेवल और निर्वाणिक लेवल, दे कैन रीड दिस बुक निर्वाणा. इट इज अवेलेबल फ्री ऑन द इंटरनेट एंड यू हैव टू जस्ट सर्च फॉर इट. तो इसके अंदर जो है यहाँ पे पहुँचते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा एक्सपीरियंस होता है तत्वम तसी. अरुण डेल साहब कहते हैं कि यहाँ पे अभी पहले बुद्धिक लेवल पे तो लग रहा था कि भाई मेरे अंदर सब कुछ है और मैं सबके अंदर हूँ, मगर यहाँ पे आने के बाद में वो मैं की जो फीलिंग है, जो मेरा था मैं, वो भी खत्म हो जाता है, एकदम डाइल्यूट हो जाता है, और वो गॉड कॉन्शियसनेस के अंदर पहुँच जाता है. तो वो कहता भाई अब कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ तुम ही बचे, आप ही बचे, ईश्वर ही बचा, ईश्वर ही सबके अंदर है, ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर का ही मैं हिस्सा हूं, सब कुछ ही ईश्वर है और कुछ नहीं है. तत्वम तसी, तुम ही हो सब कुछ. इज इट सोहम स्ट्रीट? पार्डन, सोहम नहीं, सोहम तो वो वाला था जो जो हाँ, इसको आप ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए. देखिए ये फाइनल डिस्टिंक्शंस हैं. I am that अगर हम कहते हैं, अगर टेक्निकली तो हम बुद्धिक लेवल पे हैं, बट एवरीथिंग इज दैट. आई है ही नहीं, आई तो खत्म हो गया. आप जब वो किताब पढ़ेंगे निर्वाणा, तो निर्वाणा के अंदर वो जे एस अरुंडेल, वॉट ही सेज इन निर्वाणा बुक इज दैट इन दैट लेवल एवरीथिंग इज मेड ऑफ लाइट. देर इज लाइट,
देर इज स्प्लेंडर, देर इज लाइट, एवरीथिंग इज लाइट. यू फील एज इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ लैंड ऑफ स्नो. देर इज नथिंग बट स्नो, एवरीथिंग इज लाइट, यू कांट सी एनीथिंग. इन द फर्स्ट इनिशियल एंट्री पॉइंट व्हिच ही एंटर्स जी एस अरुंडेल, ही टॉक्स अबाउट दैट वे. एंड देन ही सेज दैट इन दैट रीजन ऑफ लाइट यू आर एबल टू स्लोली एंड स्लोली मेक आउट स्मॉल स्मॉल सेंटर्स. यू रीड द, वो आप पढ़िए उसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने पे, और मालूम भी पड़ेगा कि क्या ये एक्सपीरियंस करते हैं. थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया है, हमारी लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश करी है कि हम थोड़ा सा आइडिया ले लें कि वो क्या है. ऑल दो जो वो बाद में कहते हैं, वो हमेशा भी कहते हैं, डिस्क्लेमर देते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो वैसा है नहीं, क्योंकि वो बताया भी नहीं जा सकता, हमसे समझा भी नहीं जा सकता. राजीव, एक मिनट. राजीव, रावण इसको कहता है अहम ब्रह्मास्मि, रावण की भाषा में कहते हैं यही चीज है अहम ब्रह्मास्मि. ठीक है सर, आप ऐसे समझ लीजिए, कोई बात नहीं, ये हाँ तो इमटीरियल है, क्या क्या है, ये तो सिर्फ समझाने की बात है. तो ये जो फोर्थ लेवल है, इसको इन्होंने बोला है अस्मिता, क्योंकि ये आखिरी है, आत्मिक लेवल जिसको हमने कहा थियोसफी में, ये लास्ट है, ये बस एक एक निर्वाणा के ऑथर इस अवर जी एस अरुणडेल, जी एस अरुणडेल, ब्रदर जी एस अरुणडेल वॉज our third president of Theosophical Society, and very good. Dr. Saurabh ने वो डाल भी दिया लिंक, आप चैट में देख सकते हैं, लिंक डाल दिया है वो उसका, जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं नेट के ऊपर. तो ये जो अस्मिता है, जो इन्होंने बोला है कि अस्मिता लास्ट लेवल है, जहां पे हमारे को संप्रज्ञाता समाधि और फिर असंप्रज्ञाता समाधि को दोबारा साधना पड़ेगा, और फिर एंट्री होगी इनटू द रियल सेल्फ, एंड द रियल सेल्फ इज द मोनाड, द जीवात्मा, वहां पे एंट्री होगी, एंड दैट इज द एंड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. और इसी काम के लिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं, द एंड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन यहाँ पे होता है, बट दिस इज नॉट द एंड. जैसे नॉर्मली हमारे को हम पढ़ते हैं कि एक बारी हम समाधि हो गई तो हम लीन हो गए भगवान के अंदर, अब बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है. थियोसफी में बोला है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के एंड होने के बाद में बियॉन्ड ह्यूमन सुपर ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे एडेप्ट्स मास्टर्स जितने महात्मा हैं जो ये सब काम कंप्लीट कर चुके हैं, वो उसके अंदर वो जी रहे हैं, वो जो लाइफ जी रहे हैं, दैट इज सुपर ह्यूमन एवोल्यूशन. उसमें से थोड़े बहुत लोग जो हमारे पास हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिनको हम एडेप्ट्स या मास्टर्स कहते हैं, वो मास्टर्स क्या जिंदगी जी रहे हैं हमें उनका कुछ पता नहीं, उनके भी आगे कुछ लेवल्स हैं, वो ही दुनिया को गाइड करते हैं, हम थियोसफी के अंदर ये सब पढ़ते हैं. तो ह्यूमन एवोल्यूशन का जहाँ तक सवाल है, तो ये कहते हैं ये समाधि की श्रृंखला चारों लेवल्स पे रहेगी, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता. ये चारों लेवल्स को हमारे को संप्रज्ञाता समाधि साधनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ अकम्पनिंग असंप्रज्ञाता समाधि को साधना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक्चुअल जो है एवोल्यूशन फिनिश होगी. एक और इन्होंने जगह पे बात करी है, या दूसरे लोग भी बात करते हैं, निर्बीज समाधि और सबीज समाधि. तो इसको हम ऐसे समझें, क्योंकि इन चारों लेवल्स पे कोई ना कोई बीज था, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट था, तो इन चारों लेवल्स पे को एक साथ कंबाइन करके पतंजलि ने बोला कि ये सबीज है, इन सब के अंदर बीज है. तो जब तक ये बीज रहता है, टिल द आत्मिक लेवल, टिल द अस्मिता लेवल, तब तक उन सारी समाधियों को कलेक्टिवली उन्होंने बोला है सबीज समाधि. और फाइनल जो असंप्रज्ञाता समाधि होती है आत्मिक लेवल से, अस्मिता लेवल से, और फाइनल मोनाड तक जो जंप होता है, उसको उन्होंने बोला है निर्बीज समाधि. कि अब जो फाइनल सारे बीज खत्म हो गए और साक्षात्कार हो जाता है, किसका, मोनैड का, अपना ही जो रियल सेल्फ है, जो मोनैड, जिस जो हमारा जन्मदाता है, जिसके जिसकी लाइफ हम शेयर कर रहे हैं, ये मोनैड ही है. मोनैड की ही तो लाइफ सारी जगह पे सारी बॉडीज में आ रही है, यही यही जन्मदाता है हमारा, इसी से हमारा एंट्री और इसी के साथ में जो मिलन होता है, यही योग है. तो इसको पूरा उन्होंने डिस्क्राइब करा है पहले 18 सूत्र के अंदर. यहाँ तक अगर किसी फ्रेंड को हमारे कोई क्वेश्चन पूछना है या क्लियर नहीं है तो प्लीज, यू मोस्ट वेलकम, या कोई कमेंट करना है तो.
राजीव जी, मैं कीर्तिमान सिंह बोल रहा था चौहान राज कानपुर से। मोनैट के लेवल पे थोड़ा सा कहने का मतलब कंफ्यूजन था, डाउट क्लियर करना चाहता था। तो मोनैट के लेवल पे एक यूनिवर्सल माइंड या यूनिवर्सल मोनैड हो गया कि इंडिविजुअलाइजेशन अभी मोनैड का है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करता है। हम इसको मोटा मोटा समझते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हम मोटा मोटा ऐसे समझते हैं जो सोलर सिस्टम का क्रिएटर है उसको हमने थियोसोफिकल सोसाइटी में कहा है सोलर लोगोस। या सोलर लोगोस एक मदर कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना। मदर कॉन्शियसनेस कहते हैं, मदर कॉन्शियसनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ही सब जगह व्याप्त है, वो ही ईश्वर है। अभी हम आगे जब आएंगे ना ईश्वर की डेफिनेशन पे, जब ये अभी थोड़े बहुत दो चार सूत्र आगे आने के बाद में ये ईश्वर बताएंगे, व्हाट इज ईश्वर, ईश्वर को डिस्क्राइब भी करेंगे थोड़ा बहुत बताएंगे। तो ये जो मदर कॉन्शियसनेस है सोलर लोगोस, ये कुछ कॉन्शियसनेसेस को जन्म देती हैं। जैसे कि हम सोचें कि एक माँ जो है करोड़ों बच्चों को जन्म देती है, तो जैसे एक सूर्य है, इसको ऐसे समझाने की कोशिश करिए कि ये सूर्य है, सूर्य किरणें निकलती हैं। आपने सुना होगा ना बहुत बार ये, कि हमारी जी आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ में किरण की तरह है, जुड़ा हुआ है। तो जी जी इस मदर कॉन्शियसनेस ने जो अपना एक बच्चा पैदा करा उसको हम मोनाड कहते हैं। ओके इस मोनाड, ये एक टाइप की पोटेंशियल मदर बनने की पोटेंशियल रखती है, क्योंकि एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा है ना, जैसे हमारा जी बच्चा जी पैदा होता है, ह्यूमन बींग का, इंसान का जी बच्चा जी पैदा होता है, वो भी बड़ा होगा, अडल्ट होगा, उसके अंदर भी सारी जी वो जी क्वालिटीज आएंगी जो अडल्ट में होती हैं। मगर अभी जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके अंदर तो वो कुछ भी नहीं है, वो तो पूरा डिपेंडेंट है मदर के ऊपर। ऐसे ही जब मोनाड्स पैदा होते हैं तो वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं सोलर लोगोस पे। सोलर लोगोस जो है अपने मेथड से, क्योंकि सोलर लोगोस के अंदर भी फिर फर्स्ट लोगोस, सेकंड लोगोस, थर्ड लोगोस, ये पूरी कहानी जो है आपको फिर कभी बात होगी। तो सोलर लोगोस जो है उसको गाइड करती है मोनाड को, उसको सहारा देती है, एक पॉइंट तक लेके जाती है जहाँ पे फिर उसके बाद में मोनाड अपने खुद इतना बड़ा हो जाता है बच्चा, कि अपनी लाइफ को खुद अब वो लीड कर सकता है अपने एक्सपीरियंसेस से। तो ये मोनाड जो है, तो हम ऐसे समझ लीजिए, मदर कॉन्शियसनेस, सोलर लोगोस, मोनाड, दोनों क्या है, चेतना, कॉन्शियसनेस, दे आर नॉट मेड ऑफ मैटर, बट मैटर के बॉडीज उन्होंने ली होती हैं, बहुत फाइनर मैटर की। एंड नाउ दिस मोनाड अपनी जर्नी पूरी करने के लिए, जो ये सेवन लेवल्स हैं, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, मतलब लोअर मेंटल, हायर मेंटल, बौद्धिक, आत्मिक, इन सेवन लेवल्स के ऊपर जो मटेरियल लेवल्स हैं, इनको अपने आप को उनके अंदर इन्वॉल्व करता है, डालता है, अपनी चेतना को भेजता है। जब वो मोनाड भेजता है, वहां पे जाके हर एक लेवल पे एक एक सेंटर बनता है, वो सेंटर के आसपास मटेरियल इकट्ठा होता है, ये मटेरियल को बोला है हमने बॉडीज। एनी बसंत इनको इनिशियली कहते हैं शीट्स। एनी बसंत की एक और किताब है द सेल्फ एंड इट्स शीट्स। एनी बसंत को शीट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बॉडीज जो हैं वो डेवलप्ड नहीं होती हैं, वो अभी बॉडीज नहीं बनी हैं, अभी वो रूडिमेंट्री हैं, कलेक्शन ऑफ मैटर है। तो खैर उसको छोड़ते हैं। तो ये जो मोनाड है, ये सातों लेवल्स के ऊपर एक एक सेंटर बनाता है और उस सेंटर के आसपास मटेरियल इकट्ठा करता है, और ये मटेरियल एक बॉडी के रूप लेती है, धारण करती है। वो जो बॉडी है वो उस लेवल पे, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल लेवल के ऊपर काम करती है, कार्य करती है, पर जो एनर्जी आ रही है हमारे अंदर, जो इस बॉडी को चला रही है, वो उस मोनाड की आ रही है। यहाँ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी हाँ मगर ये जो मोनाड की कॉन्शियसनेस है, जैसे इस बॉडी के अंदर आई है, वो इतने हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स हैं इस बॉडी के, इसके अंदर आने के बाद में जैसे ही वो फैली इस बॉडी के अंदर, उससे एनर्जाइज करा बॉडी के सेल्स को, वो एक टाइप से उसके अंदर इतनी अभी कैपेसिटी नहीं है उस चेतना के अंदर, उतना दूर आने के बाद में मोनाड से, कि अपने आप को अलग भी करके देख सके उस बॉडी से। वो उसके अंदर ऐसी घुल मिल जाती है कि उसको लगता है, इस बॉडी को जब अलाइव होती है, बॉडी जब जागृत होती है, कि जैसे वो ही है और कुछ भी नहीं है, वो उसका एक टाइप का कट ऑफ हो गया उसके साथ में। वो रियलाइजेशन ब्रेन में नहीं हो पाता कि वो मोनाड है। अच्छा, मोनाड अपने लेवल पे तो जानता है, मगर हम हमारे लेवल पे नहीं हो पाता। तो ये क्योंकि मोनाड के अंदर अभी वो शक्तियां जागृत नहीं हुई हैं, उसकी चेतना के अंदर अभी नीचे के लेवल्स पे वो इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो उसके साथ में कनेक्शन दोबारा प्रॉपर ऐसा कनेक्शन सॉलिड बना ले कि
कि भाई ये इस माइंड इस ब्रेन के अंदर भी वो पूरा का पूरा बरकरार रहे और मोनाड अपने पूरे पूरे के पूरे पावर्स के साथ में अपने आप को मैनिफेस्ट कर पाए। उसकी पावर्स अटेन्यूएट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं जैसे जैसे वो नीचे 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 बॉडीज को टेक ओवर करता है मोनाड। इस मोटा मोटा आउटलाइन में आपको समझा रहा हूँ, ये बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। अब जैसे मैं हूँ या आप हैं, हमने अपने आप जाना कि हम बॉडी हैं, हम तो आपको जानते नहीं अपने आप को। हम इतना जब थियोरेटिकली समझ जाते हैं तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम वापस पहुंच जाएं और वो रिकनेक्ट कर सकें, ताकि वो मोनाड जो एक्चुअली जिसके हम बच्चे हैं, जिसके हम प्रोडक्ट हैं, उसके साथ में हमारा 1-to-1 कनेक्शन पूरी उसकी पूरी पावर के साथ, पूरे स्प्लेंडर के साथ में नीचे से ऊपर तक वो आ सके। बस यही यस जर्नी है ह्यूमन एवोल्यूशन की, और यही मोनाड है। द रियल सेल्फ इज द मोनाड, द रियल सेल्फ इज द मोनाड। बाकी सब प्रोडक्ट्स हैं मोनाड के, एज पर द लॉज ऑफ नेचर। कृष्णदास जी मुझे पूछ रहे हैं दोबारा, सो आई विल से कृष्णदास जी, द सोलर लोगोस इज द एक्चुअल कॉन्शियसनेस विच वी कैन कॉल मदर कॉन्शियसनेस, विच गिव्स राइज टू और विच क्रिएट्स द सोलर सिस्टम, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स स्मॉल स्मॉल सेंटर्स विच वी कॉल मोनाड्स, विच आर पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल्फ। सो द सोलर सिस्टम और द सोलर लोकस इज गिविंग राइज टू और गिविंग बर्थ टू दी इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस विच वी कॉल दी मोनाड्स, बिकॉज दे आर सिंगल यूनिट मोनाड। वंस दैट सिंगल यूनिट इज मेड, देन द जर्नी ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट्स, एंड दिस एवोल्यूशन स्टार्ट्स एट ऑल द लेवल्स, एंड द पर्सन हु हैज कम डाउन टू द सेवेंथ लेवल, दैट इज द फिजिकल लेवल, हैज टू रिकनेक्ट इटसेल्फ विद दैट मोनाड इन द फुल स्प्लेंडर, ओनली देन द ह्यूमन एवोल्यूशन गेट्स कंप्लीटेड। तो आई थिंक यहाँ पर ओके राइट क्लियर हो गया कृति मैन जी? सर सर ये क्लियर जो क्लियर मोनेड है, जी जी मोनेड मोनेड इज ही इक्विवेलेंट टू पुरुषा जिसको सांख्य बोलते हैं, जी जी पुरुष है जी जो कि बहुत हाँ बहुत आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो जो पुरुषा जो है, क्या है ना कि सांख्य और योग के अंदर जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो भी है, तो पतंजलि जो है आगे क्या कहते हैं कि पुरुषा दो टाइप के हैं, एक तो ईश्वर को उन्होंने पुरुषा बोला है और एक इंडिविजुअल जो आत्मा है, जीव आत्मा है, उसको भी पुरुषा बोला है। तो ये पुरुषा भी है, अगर ये वो वाला पुरुषा नहीं है जो सारी एवोल्यूशन कंप्लीट करके जिसने इसे पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने सोलर सिस्टम को बनाया है, ये वो वाला पुरुषा नहीं है, ये एक इंडिविजुअल उसका हिस्सा है। ये जैसे सांख्य में बोलते हैं कि प्रकृति एक है और पुरुष बहुत सारे हैं, हाँ और ये फिर वही वही वो चीज, लेवल से जा जाकर फिर प्रकृति से पार पाते हैं, वही प्रोसेस आप बता रहे हैं। जी। तो थियोसफी में यही प्रोसेस है, पहला प्रोसेस जो ह्यूमन एवोल्यूशन का है वो यही है कि हम अपने मोनैड के, हम हमारी चेतना मोनैड की चेतना पूरे पावर के साथ में सारे नीचे के लेवल तक, सारे सेंटर्स तक जो बनाए हैं अप टू फिजिकल लेवल, पूरे की पूरी वो फंक्शनल हो जानी चाहिए। दैट इज द होल एंड, दैट इज द एंड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन वन कैन से, एंड इट इज द मास्टर, एक्चुअल मास्टर जो हमारे हैं, जो गुरु हैं, वो वही मोनाड ही है। मगर क्योंकि हम अपने मोनाड को जानते नहीं हैं, तो हम जो दूसरे मोनाड हैं जो हमारे सामने गुरु के रूप में आते हैं, जो मास्टर्स के रूप में आते हैं, वो फिर एक सरोगेट मदर की तरह काम करते हैं। जैसे अपनी मदर को नहीं जानते तो दूसरे की मदर को हम अपनी मदर मानते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो हम उनको मान के चलते हैं, जबकि वो तो हमारे साथ एक ही हैं, उनका वो तो हमारे साथ, हमारे मोनाड उनके मोनाड में कोई फर्क नहीं है, बराबर है, मगर हमारे लिए वो अलग लगते हैं। खैर एनीवे दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक, अगर और डीप जाऊंगा मैं। और किसी ब्रदर को कुछ बोलना है? सर वो जो आप जो बोल रहे थे, जो लास्ट आपने आनंद के बाद अस्मिता की बात करी, जी, अस्मिता अस्मिता से आगे आदमी स्वयं मतलब संप्रज्ञात संप्रज्ञात अस्मिता से आगे पहुंच जाएगा स्वयं, या वहां पर उसको कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी? देखिए हेल्प तो हमेशा चाहिए होती है, हेल्प इन द सेंस कि हमारे को गाइडेंस की जरूरत तो पड़ती है। कहीं पे भी जाएंगे जो हमारे से एडवांस लोग जा चुके हैं वो गाइड तो करेंगे करेंगे, तो वो गाइडेंस ऑटोमेटिकली मिल जाती है, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति ऑलरेडी किसी
मास्टर का चेला हो ही चुका होता है, तो वो तो हो ही चुका होता है, उसके अंदर तो ऐसी बात ही नहीं है। मगर एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, संप्रज्ञाता समाधि भी साधनी पड़ेगी, अस्मिता के लेवल पे जिसको हम आत्मिक लेवल कहते हैं, निर्वाणिक लेवल कहते हैं, वहाँ पे भी साधनी पड़ेगी। आप निर्वाण किताब पढ़िए, जी एस अरुंडेल की, उनकी एंट्री जब हुई निर्वाण के अंदर वो लिखते हैं, तो उन्होंने अपने मास्टर को देखा और वो मास्टर जो है एक ग्लोइंग सेंटर थे और एक टाइप से वो वेलकम कर रहे थे उनको कि आइए तुम भी आ गए, बहुत अच्छा है। इस टाइप से पता है आपको क्या समझाएं हमारे को, हम अलग हो नहीं सकते अजय, इनसे। यस, सब। और किताब कितनी बड़ी है निर्वाण? ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से 60-70 पन्ने की किताब है, साठ और सत्तर पन्ने ठीक। हाँ आप उसमें से कुछ सेक्शंस पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उसको। ठीक राजीव, राजीव एक क्वेश्चन था, राजीव। हेलो। जी जी बोलिए बोलिए जी बोलिए हाँ, मैं रेवाड़ी लोज से त्रिभुवन भटनागर। जी जी ये जो जो हमारे जो ट्रेडिशनल योगीज हैं, मैं उनका शिष्य रहा, उनके आश्रम पे भी रहा 1 साल। तो उनका कहना था कि ध्यान की जो उच्चतम अवस्थाएं हैं, वहां आप जब जाएंगे तो किसी बिना किसी गुरु के निर्देशन के जाएंगे तो आपको खतरा है। ठीक है। चलो। हाँ, यही क्वेश्चन था। अच्छा देखिए ऐसा है, हाँ। जो ये जो हमारा ये जो वितर्क वाला जो लेवल है, जो अभी हम जो फर्स्ट लेवल है, जो हमारा लोअर माइंड से हायर माइंड की एंट्री है, उसके लिए आप गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को इतनी इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं। जैसे ये पतंजलि योग सूत्र है, हमारे थियोसफी में है, बुद्धा ने जो भी कहा है, जो बुद्धा का एट फोल्ड नोबल पाथ है, सारे जितने भी मेथड्स हैं मेडिटेशन के, वो इसको इस टाइप की समाधि को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस जो एक साधक को मिलने चाहिए, मिल सकते हैं, वो सारे दे दिए गए हैं। सिर्फ हमें उनको पढ़ना है, समझना है, अपनी लाइन ऑफ हमारे को कौन सी अप्रोच लेनी है वो हमें देखना है, हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करना है ये हमारे ऊपर है। इसके लिए आप किसी साधक की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे को ABCD के बारे में सब बता दिया गया है, ABCD के बारे में हमारे को ब्रदर कृष्णदास, ब्रदर कृष्णदास आई एम सॉरी बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, बट राइट नाउ यू हैव टू जस्ट बेयर विद मी। ये जो सारी चीजें हैं, ये वाली ABCD हमारे को सामने डाल दी गई है, ABCD को सिर्फ हमें कॉपी करना है। सो फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ समाधि दैट वी हैव टू अटेन फ्रॉम द लोअर मेंटल टू द हायर मेंटल, वी डू नॉट नीड रियली ए फिजिकल टीचर टू गाइड अस, बिकॉज ऑल द मटेरियल ऑफ गाइडेंस हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू अस। मे बी एट द लास्ट स्टेजेस ऑफ असंप्रज्ञाता समाधि और संप्रज्ञाता समाधि, देर माइट बी दैट समबडी मे हेल्प अस, दे मे हेल्प अस इन गोइंग थ्रू, बिकॉज दैट इज अ हाईली सब्जेक्टिव एरिया वेयर अ पर्सन कैन गो हेयर एंड देयर, एंड डिपेंडिंग ऑन आवर कर्मा, हाउ मच कर्मा ऑफ असिस्टेंस दैट वी हैव, एंड डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ वर्क दैट वी कैन डू इन फ्यूचर, वॉट यूज वी कैन बी ऑफ इन फ्यूचर, दैट गुरु और दैट हेल्पर विल अप्रोच अस एंड हेल्प अस। बट रियली वन शुड नॉट थिंक दैट मच, बिकॉज द हेल्प विल कम वेन इट इज डिजर्व, वेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो वॉट वी हैव टू डू इज डू आवर बेस्ट एज वी अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू डू ओनली दैट विच इज फ्री फ्रॉम डेंजर। फॉर एग्जाम्पल देर इज नो नीड टू ट्राई टू रेज अ कुंडलिनी, देर इज नो नीड टू फोकस अपॉन वेरियस चक्रास, अदरवाइज यू विल डिसबैलेंस द चक्रास द सिस्टम। सो राजयोग मेथड, द मेथड विच इज गिवन बाय पतंजलि एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन थियोसोफिकल सोसाइटी ऑल्सो दे प्रेफर द मेथड इन विच वी वर्क डायरेक्टली अपॉन द लोअर मेंटल द लोअर माइंड, इन विच टेक अप एन ऑब्जेक्ट एंड वी फोकस ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड ट्राई टू कंट्रोल द माइंड, मेक द माइंड वन पॉइंटेड, ट्राई टू कम टू अ पॉइंट वेयर ओनली दैट ऑब्जेक्ट विल रिमेन, नथिंग एल्स विल रिमेन। दिस इटसेल्फ इज अ बिग टास्क एंड इट मे टेक अ फ्यू लाइफ टाइम्स इफ नॉट डन प्रॉपरली। देर इज अनदर बुक बाय एनी बेसेंट, थॉट पावर,
इट्स कंट्रोल इट्स कल्चर एंड कंट्रोल समथिंग लाइक दिस सो थॉट पावर इज द बुक बाय एनी बेसन इन विच द सेकंड पार्ट ऑफ दैट सेकंड सेक्शन ऑफ दैट बुक द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन दे हैव बीन गिवन बिकॉज डेवलपिंग कॉन्सेंट्रेशन और एज पतंजलि विल कॉल इट धारणा दैट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू डू एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन दैट ओनली सो वॉट वी कैन डू इज We can read up that thought power. What else we can do is, there is another book to help to develop concentration by Ernest Wood. Ernest Wood was one of our senior members in Theosophical Society. He was also a professor in some college and principal in college in southern India. And he was one of the teachers of J. Krishnamurti, who used to teach, because J. Krishnamurti was homeschooled. He was taught various subjects in Adyar itself. So he was one of those people, and he was also the secretary of C.W. Leadbeater. So when C.W. Leadbeater used to give his point, initially of course C.W. Leadbeater used to write down, but when he had the secretary, he used to just dictate the inner happenings of the inner world. So he used to write down Ernest Wood. So Ernest Wood has a book called Concentration. Again available freely, and anybody who wants to develop concentration will do very nicely if he follows the exercises given in that book on concentration. So we have all the material to develop concentration, to enter into meditation, and from meditation or dhyan we can enter into sampragyat samadhi, and from sampragyat samadhi to asampragyat samadhi, and thereafter into further into that. Now, brother, you have asked me another question, and let me tell you that even without assistance, without actual assistance, bina kisi help ke aisa entry kari ja sakti hai. Yahan tak ki lower level of buddhic lower levels pe bhi entry kari ja sakti hai. To wo wala jo hai, wo part diya hai. Buddhic consciousness jo monad kitab hai, C.W. Leadbeater ki, uske andar ek unka chapter hai. बुद्धिक कॉन्शियसनेस में हायर कॉन्शियसनेस पे उसमें वो एक साधक के बारे में बताते हैं जो उनके सामने था एक स्टूडेंट था उस स्टूडेंट ने किस तरीके से ये हासिल करा और वो उन्होंने डिस्क्राइब करा है मेथड उसका और उसके उन्होंने उसको देखा क्योंकि साहब तो देख सकते हैं अंदर तक क्या हो रहा है उसके तो उन्होंने देखा और उसको डिस्क्राइब करा है उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है आप उसको पढ़िए बड़ा इंस्पायरिंग भी है बुक का नाम है द मोनैड मोनैड मैं उसको टाइप कर देता हूँ मोनाड जी ये सरोंगर नहीं नहीं ये सीडब्ल्यू लेडबीटर की है लेडबीटर ठीक है ओके थैंक यू ओके ब्रदर सो एनी अदर बिकॉज़ टाइम इज नाउ ओवर एनी अदर ब्रदर और जो कोई और कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम आगे चलेंगे इसके बाद में मेरे ख्याल से हमने काफी इसके पर टाइम अब लगा लिया कि चित्त क्या होता है वृत्तियां क्या होती हैं कौन सी टाइप की वृत्तियां होती हैं अभ्यास क्या होता है वैराग्य क्या होता है समाधि क्या होती है समाधि के दोनों हिस्से क्या हैं ह्यूमन बीइंग क्या है लॉ ऑफ एवोल्यूशन क्या है एवोल्यूशन कैसे फिनिश होगा और हमारा रोल क्या है ये सब कुछ कर लिया हमने तो हाँ बोलिए राजीव जी एक रिक्वेस्ट थी क्या उस लेटर का आप मेरे को कुछ डिटेल दे पाए जो जय कृष्ण मूर्ति का आपने बताया है जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो मैं दे पाऊंगा आप एक काम करिएगा मेरा आपके पास नंबर है क्या फोन नंबर नहीं आपका नंबर नहीं मैं चैट में अपना नंबर डाल रहा हूँ आप वो नंबर मेरा देख लीजिए और मुझे आप अपना या तो ईमेल एड्रेस या कुछ भी आप भेज दीजिएगा मैं आगे उसको आपको भेज दूंगा माथुर साहब के पास आपका नंबर है ना हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा राजीव मैं ले लूंगा बात जी मैं दे दूंगा हेलो जी जी माथुर जी आई थिंक आज का फिर टाइम तो हो गया है टाइम हो गया है और हम लोग अभी और किसी ने कोई क्वेश्चन है किसी का तो ले सकते हैं नहीं तो अब हम इसको क्लोज करेंगे हेलो और कोई क्वेश्चन नहीं है ना अभी ठीक है आप अनाउंस कर दीजिए नेक्स्ट टाइम ठीक है हम लोग इसको क्लोज करते हैं
और नेक्स्ट टॉक हमारा रहेगा ब्रदर एच के शरण का, बुद्धा एंड हिज टीचिंग पार्ट थ्री, बुद्धा एंड हिज टीचिंग पार्ट थ्री बाय ब्रदर हरिषिकेश शरण। और हमारा यही टाइम रहेगा 6 से 7 शनिवार अगले